तुमने ये सब किया कैसे? वैसे ही जैसे तुमने इतनी सारी चीजें की। खुद से मुझको कंपेयर मत करो। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचे। तुमने मुझे हर्ट किया और मेरा दिल तोड़ा, फैमिली को नुकसान पहुंचाया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इससे ज्यादा तुम मेरे साथ और क्या कर सकते हो? एक सेकंड, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा तुम मेरे साथ कर रही हो। इस सब की जिम्मेदार तुम हो। बहुत हुआ, बेहतर होगा हम कोई बात ना करें, क्योंकि हम चाहे जितनी भी देर बात कर लें पर एक दूसरे की बात कभी नहीं समझेंगे। तो बेहतर होगा हम चुप रहें। हम दोनों के लिए यही ठीक होगा। चलो अच्छा है, ये काम तो हम दोनों अच्छे से जानते हैं। ठीक है, मैं चाह रहा था कि हम साथ में टेंडर की फाइल देख लें ताकि कोई कमी ना रह जाए। इस फाइल की हर चीज प्रॉपर और कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। कोलू दाग बदल चुका है, ये बात मैं सबके सामने साबित कर दूंगा। ठीक है, अब तुम यहाँ किस लिए आई हो चाहिदे? कोरहान प्लीज, देखो इस वक्त मेरा तुमसे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहिदे, एक ही बात मैं तुमसे कितनी बार कहूँ? हाँ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुम वापस फार्म हाउस तो चली गई हो, अब और क्या चाहती हो? मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? मैं फार्म हाउस इसलिए गई क्योंकि मुझे लगा तुम वही वापस आओगे, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। ये बात आखिर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? यार छोड़ो चाहिदे, तुम रहने ही दो। कोरहान प्लीज मेरी बात सुनो, इस बार मैं झूठ नहीं बोल रही, प्लीज मेरा यकीन करो। इस बार बात मेरी नहीं, तुम्हारे बच्चे की है। यही जगह है क्या? आई थिंक यही पास वाली अपार्टमेंट है, बिल्डिंग नंबर 34, यही है सेकंड फ्लोर। तुम यही गाड़ी में वेट करो, मैं बात करके आती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो 4 घंटों का सफर करके यहाँ गाड़ी में बैठने के लिए आऊँ, है ना? तो मंदिर चलने की जिद क्यों कर रहे हो? इस लड़की ने पुलिस को भी कुछ नहीं बताया। मैं उसे अकेले मिलने आई हूँ ताकि वो डरे नहीं। देखो वो कंफर्टेबल होगी तो मुझे सारी सच्चाई बता देगी। मतलब अगर वो तुम्हें देखकर डर गई तो हमारा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। डर क्यों जाएगी? मैं कोई भूत वूत हूँ क्या जो मुझे देखकर डर जाएगी? तुम्हारे हुलिये की वजह से तुम बहुत एग्रेसिव लगते हो। अब मेरा हुलिया एग्रेसिव भी हो गया? देखो वो तुम्हें नहीं जानती है, वो मेरी पुरानी दोस्त है तो शायद मुझे अकेले में सब कुछ बता देगी। ठीक है, पर मैं साइड में खड़ा होकर तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा और कुछ नहीं। प्लीज सीजर, एक बार फिर से तुम सारी की सारी मेहनत पर पानी मत फेरो। फिर से? बहुत बढ़िया, फिर तो मैं पानी फेर रहा हूँ और तुम कहना चाहती हो कि सारे काम मैं बिगाड़ता हूँ। इस वक्त मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। तो क्यों कर रही हो? तुम मुझे इस तरह इस सबसे बाहर नहीं रख सकती, बस इतना मैं जानता हूँ। ठीक है चलो आ जाओ। पर वो कुछ नहीं बोली तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। ओ प्लीज सुहान, अब ये लेक्चर देना बंद करो। हर चीज का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ और मैं यहाँ तुम्हारे साथ आखिरी वक्त तक रहूंगा। पता है क्यों? क्योंकि इस सब का ताल्लुक तुमसे ज्यादा मुझसे है। यहाँ बात मेरी मॉम की है। मेरे पापा पे उनका मर्डर का इल्जाम है, ये चाहे जिसने भी किया हो पर जिंदगी मेरी बर्बाद हुई है, इसकी वजह से मैंने अपना हस्बैंड खोया है। सीजा तो बेहतर होगा अगर हम कुछ कंपेयर ना करें। देखो एक बात तुम अच्छे से समझ लो कि इस काम में हम साथ हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूँ सोहा। बस करो सीजा, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पक्का यकीन है ना ये उसी का घर है? हाँ मैं श्योर हूँ। वो घर खाली है, आप किसे ढूंढ रहे हैं? सुहान मैम। आइनूर वेलकम मैम। आपका ही इंतजार था मुझे, पर मुझे लगा आप अकेली आएंगी। मैं अकेली ही आने वाली थी पर मिस्टर सीजर भी आना चाहते थे तो फिर मैं इन्हें अपने साथ ले आई। ये सब सुनकर ये मत समझना कि मैं कोई अनजान हूँ।
तुम जो कहने वाली हो वो सब कुछ मेरी मॉम से जुड़ा है। चलिए अंदर बात करते हैं। तुम्हारे पापा कब से लापता हैं? दरअसल पुलिस कहती है कि उन्हें कोल्लू दाग छोड़े 2 महीने या उससे भी ज्यादा हो चुके हैं। मतलब मेरी मॉम के कत्ल के तुरंत बाद वो यहाँ से लापता हो गए, है ना? क्या लगता है आपको, मेरे पापा ने मारा उन्हें? सीजर का वो मतलब नहीं था आइनूर। हम तुम्हारे पापा पे शक नहीं कर रहे, भरोसा करो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम सिर्फ अपनी बात करो, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि वो खुद इन्वॉल्व ना हो बल्कि उन्होंने किसी की मदद की हो। हो सकता है कि उन्हें किसी ने धोखा दिया हो या और कोई मजबूरी हो उनकी। जब तक सच सामने नहीं आ जाता कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अगर वो बेगुनाह है तो उसे डरने या छुपने की क्या जरूरत है? लगता है कि उसे अंदाजा है कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। हम ऐसे ही किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते सीजा। मैं किसको समझा रही हूँ, तुम्हें बस एक ही चीज आती है, दूसरों पर इल्जाम लगाना। मैं तुमसे माफी मांग चुका हूँ, मैं तुम्हारे पापा को कातिल नहीं कह रहा हूँ, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरी मॉम का कातिल अब भी ऐसे ही घूम रहा है और मुझे उसे सजा देनी है। तुम्हारे पापा जो जानते हैं अगर बता दें तो सच में हमारी बहुत मदद हो जाएगी और हमें कुछ पता भी चल जाए। जब तक वो ऐसे ही छुपे रहेंगे और भागते रहेंगे तब तक यही लगेगा कि वो कातिल की मदद कर रहे हैं। मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ पर मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। मुझे सच में कुछ भी नहीं पता, पापा कहाँ छुपे हैं मुझे नहीं मालूम। जिस दिन उन्होंने माँ को धोखा दिया उसके बाद हम कभी नहीं मिले, ना मैं ना ही माँ। फरार होने के बाद कभी कॉल नहीं आया? एक बार सोच के देखो वो कहाँ छुप सकते हैं। तुम आखिर उनकी बेटी हो, कोई तो आइडिया होगा तुम्हें। बदकिस्मती से जब पुलिस उन्हें ढूंढते हुए घर आई थी तो उस वक्त मैंने उन्हें कॉल किया था पर कॉल नहीं लगा। उस औरत का क्या हुआ? उनकी दूसरी बीवी। पुलिस को तुमने उसके बारे में बताया क्या? नहीं, उस वक्त याद नहीं आया मुझे। तो क्या तुम उसका नाम जानती हो? माँ ने बताया तो था, शायद सलमा नाम था उनका। सरनेम क्या था? मैं ये तो नहीं जानती पर शायद वो किसी होटल में वेट्रेस का काम करती हैं, बस यही पता है मुझे। और ये कौन सा होटल है? मुझे क्या पता है? शायद इस्तांबुल के पास किसी होटल में हो। तुम्हारी माँ को शायद पता हो। सही कहा आपने, मैं माँ को कॉल करके पूछ लेती हूँ। एक मिनट। कस्टमर की तरह बिहेव करना, इसे शक नहीं होना चाहिए। कपल की एक्टिंग करे तो क्या प्रॉब्लम है? सीजा, जब वो मिल जाए तो तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन मत शुरू कर देना, इससे जरा आराम से बात करना, ठीक है? जैसा आप कहें सुहान मैडम, मेरे लिए कोई और हुक्म है क्या? सीजा, इस वक्त मैं बहुत सीरियस हूँ। ये औरत हमें उस तक पहुँचा सकती है, बस उसे हम पर शक नहीं होना चाहिए। उसे ढूंढने की तुमसे ज्यादा मुझे जल्दी है, तो मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है और क्या नहीं, वो मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। कोशिश करना कोई गड़बड़ ना हो। गुड इवनिंग, हमें कमरा चाहिए। 2 कमरे। ठीक है, मतलब आप हमें 2 अलग-अलग सिंगल रूम्स दे दीजिए। सॉरी सर, इस वक्त हमारे यहाँ कोई रूम अवेलेबल नहीं है। असल में शादी की वजह से पूरा होटल फुल है, लेकिन कल हमारे कुछ रूम्स खाली होंगे, कुछ लोग चेकआउट करने वाले हैं। मैं समझ रहा हूँ मैडम, पर हम दोनों इसी शादी में इनवाइटेड हैं। आप एक बार चेक कीजिए, हम दोनों के कमरे बुक होंगे। सर आप अपना नाम बताएंगे? हाँ हाँ, सीजर आलमदार गुरु। ये तुम क्या कर रहे हो? आपका रूम बुक नहीं है सर। शायद कोई गलती हो गई होगी, बुकिंग तो मेरी यहीं की है। उम्मीद है कि ऐसी गलतियों से बचने के लिए आपके पास प्लान भी तो जरूर होगा। आप एक बार मैनेजर को बुला दीजिए, मैं एक बार उनसे खुद ही बात कर लेता हूँ। जी सर, आप वेट करिए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। थैंक्स, हमें कमरे की जरूरत नहीं थी सीजा। सुहान, अगर हम यहाँ ऐसे ही घूमेंगे तो लोग हम पर शक करेंगे। वहाँ देखो, वो वही है। कौन? वो उसकी आज की ड्यूटी शादी में है। मैनेजर साहब ने कहा है कि एक रूम है जो हम आपको दे सकते हैं, और परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ सर। चलिए कोई बात नहीं, शुक्रिया।
पर हमारे पास सिर्फ डबल बेड सिंगल रूम है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? दरअसल नहीं 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 कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज अपने आईडीज़ ले दीजिए। ये लीजिए। तुम्हें होना हो लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। और कोई रास्ता नहीं है सुहान, सिर्फ एक रात के लिए हम दोनों को एक दूसरे को झेलना पड़ेगा बस। सीजा, अगर हमने कपड़े नहीं बदले तो लोगों को शक हो सकता है। अच्छा होगा हम कपड़े बदल ले वरना कोई पहचान लेगा। वो मुझे एक बात पूछनी थी। दरअसल हुआ ये है कि हमारा लगेज कहीं गुम हो गया है और हमें इस शादी के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं। मैंने आसपास देखा लेकिन मुझे यहाँ पर कोई दुकान नजर नहीं आई, तो क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? पहले पैसा निकालो, मेरे पास कुछ नहीं है। भूल गए क्या हमने फैसला किया था कि आज तुम मुझे पहली इंस्टॉलमेंट दोगे? तुम्हारी वजह से जिंदगी में मैं पहली बार चोरी करने वाला था। तुमने जो कुछ भी तासीन कोरलू दाग के लिए आज तक किया उसका क्या? और वो कहावत सुनी है ना, चोर के घर में चोरी करना पाप नहीं बल्कि एक नेक काम होता है। तासीन कोरलू दाग से बड़ा चोर कौन है यहां, और उसको सबक सिखाने का यही वक्त है। सली, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? अब मुझे डर लग रहा है कहीं तुम मुझे मारने वाले तो नहीं हो ना? तुमने उस दिन मुझसे एक सवाल किया था कि क्या मैं आजाद होना चाहता हूं, और मेरा जवाब है हाँ। हर गुलाम अपने मालिक से आजादी चाहता है, लेकिन तुम अब खुद को मेरा मालिक समझते हो। आखिर तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही मैं मालिक हूं और ना ही गुलाम, हम दोनों पार्टनर्स हैं दोस्त, हम में कोई फर्क नहीं है। जो भी तुमने कहा मैंने बस वही किया था। मैं तुम्हें समझा चुका हूं, अगर मैंने तुम्हारा काम नहीं किया तो तुम मुझे धमकी दोगे, ये कैसी बराबरी हुई? ये सही नहीं है, अपने लिए दूसरा गुलाम ढूंढ लेना। सली, भूल गए क्या हमने डील की थी? ऐसे चीटिंग नहीं करते। खेल तुमने बिगाड़ा है, मैंने भरोसा करके गलती की, तुम्हारी वजह से मैं मुसीबत में फंसा। काश तुमने सारा काम ढंग से कर दिया होता, मेरी गलती नहीं है। शांत हो जाओ वरना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। ऐसी गलती मत करना सली, आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं तुमको, मैं धमकियों से नहीं डरता, बचपन से सुनते आया हूं ऐसी धमकियां। आज मेरी आंखें खुल चुकी हैं। ऐसा क्या? तो तुम्हें ऐसा लगता है? किसने खोली तुम्हारी आंखें? वही तुम्हारी समझदार बेटी ने? तुम कभी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, समझ गए? और जानते हो क्यों? नहीं नहीं नहीं, पर तुम जानते हो ना, तो तुम ही जवाब क्यों नहीं देते? क्योंकि अगर मैं फंसा तो तुम भी फंसोगे, मेरी बर्बादी तुम्हारी बर्बादी होगी। वो रही। अपनी आंखें उसी पर रखना, ध्यान से, किसी को शक ना होने पाए। बस उसके बाहर जाने का इंतजार है। उसके बाद
या तो वो उस आदमी तक पहुंचाएगी या फिर मैं उसे डराऊंगा। अगर हमें उसका फोन मिल जाए तो हम उस आदमी तक जल्दी पहुंच सकते हैं। तो फिर कोशिश करके देख लो, हमें घंटों तक यहां नहीं बैठना पड़ेगा। स्वागत है आपका, क्या लेना चाहेंगे? मेरे लिए ये ठीक रहेगा। सोडा मिलेगा? ये लीजिए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, ये पार्टी कब तक चलने वाली है? सुबह के 4 बजे तक चलेगी सर। ओह, कहना आसान होता है पर करना काफी मुश्किल हो जाता है। ये मेरे लिए है, काफी अच्छी ड्रिंक है। कितने पैक पी चुके हो? गिने नहीं मैंने, तुमने गिने क्या? वैसे गिने तो होंगे, तो तुम क्यों नहीं बता देती कि मैंने कितने पैक पिए हैं? 5। आह, काफी तेज नजरें हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें रुकना चाहिए? तुमने बहुत ज्यादा पी ली है। बस ये वाला लास्ट है। अपने लिए नहीं, तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। इतना क्यों पी रहे हो? वैसे तुम भी तो पी सकती हो। गाड़ी चलाने के लिए होश में होना जरूरी है। हमें छोड़कर सब डांस कर रहे हैं। तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हारा भी डांस करने का मन कर रहा है? बताना चाहती हूँ कि सबकी नजर हम पर है। तो फिर डांस करना चाहोगे? चलो ना। किसी का फोन आया। काम करते करते थक चुकी हूं मैं, याद तो मुझे भी आ रही है।
थोड़ा इंतजार करो ना बेबी, सब्र तो कर ही सकते हो। कल सुबह मैं 10 बजे तक निकलूंगी। परेशान मत हो, मैं सीधा तुम्हारे पास ही आऊंगी। आज तक मैंने कभी तुम्हें धोखा दिया है क्या? ऐसा क्या हो गया? हाँ, ऐसा कह रहे हो जैसे सब मेरी गलती है। तुम भी ना पागल। चलो अब तुम सो जाओ और आराम कर लो, कल मैं सुबह आती हूँ। सुबह तैयार रहना, और हाँ भूल मत जाना पिछली बार की तरह किसी और को घर में घुसने मत देना। बाय डार्लिंग। ये लीजिए सर। थैंक यू सो मच। सलमा ने उससे बात की, मैंने उसे कहते हुए सुना कि वो कल उसे मिलने वाली है। वाह, लगता है तुम्हारे अंदर का जासूस जाग गया है ना। तुम ऐसे नहीं मानोगे। सोचा तो था कि तुम कुछ करोगे, पर तुमसे कोई उम्मीद नहीं। वैसे भी यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं, वो लोग कल मिलने वाले हैं तो हमें सुबह तक इंतजार करना चाहिए। जा सो जाओ। हाँ जा रही हूँ, और मत पीना।